आप देख रहे हैं मूवी रिव्यू मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे 2018 में रिलीज हुई एक्वा मूवी के बारे में यह मूवी भले ही 2018 में रिलीज हुई हो लेकिन आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी 2018 में रिलीज हुई एक्वा मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एक्वा मूवी आप कहाँ पर देख पाओगे साथ ही में आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको एक्वा मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको बताएँगे कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी फुल डिटेल में एक्एम मूवी के बारे में जानना पसंद करते हो साथ ही में आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो एक्एमैन मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स वॉन ने जेम्स वॉन जो कि एक अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर एंड कॉमिक बुक राइटर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है और उनकी हाइएस्ट ग्रॉसिंग हॉर फ्रेंचाइजी ओवर टू बिलियन है और इस उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी जो हॉरर मूवीज़ को डायरेक्ट किया है एंड सुपर हीरो मूवी को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो एक्वा मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डेविड लेस्ली ने एम सी गोल्ड्रिक ने एंड विल वायल ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की जियोफ जोहस ने जेम्स वॉन ने एंड बिल बयाल ने प्रोड्यूस किया है एक्वा मूवी को पीटर सैफरान ने रॉब कॉवान कौ, ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसन मोमोवा देखने को मिलेंगे उसके आगे एम्बर हर्ड देखने को मिलेंगे विलम डेफोय देखने को मिल जाएंगे पैट्रिक विल्सन देखने को मिल जाएंगे डॉल्फ लनग्रीन देखने को मिल जाएंगे याया अब्दुल मैटीन देखने को मिल जाएंगे एंड निकोल किडमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे उसके आगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एक्वा मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डॉन बर्कस ने और एडिट किया है इस मूवी को किरक मोरी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का रूपर्ट ग्रैक्सन विलियम्स ने Production companies as movie K, Warner Bros. Pictures, DC Entertainment, DC Films, Rat Pack Entertainment, The Saffron Company, Cruel and Unusual Films, Mad Ghost Productions. डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर लेते हैं तो एक्वा मैन मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रोस पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट 21 दिसंबर 2018 है रनिंग टाइम में इस मूवी का 143 फोर्टी थ्री मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो एक्वा मैन मूवी को 160 से लेकर 200 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन बिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले UH लीडिंग रोल में जैसन ममोआ ने आर्थर करी मतलब कि एक्वा मैन का कैरेक्टर लीडिंग रोल में निभाया है एम्बर हर्ड ने मैरा का कैरेक्टर निभाया है विलेम डाफोए ने वुल्को का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक विल्सन ने ऑरम का कैरेक्टर निभाया है डॉल्फ लनग्रैन ने किंग ने, नेरेस का करैक्टर निभाया है जहाया अब्दुल मैटीन वन टू ने डेविड कैने एंड ब्लैक मंटा का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो यह एक सुपर हीरो मूवी है डीसी द्वारा बनाई गई है डीसी एक प्रोडक्शन कंपनी है आपको पता ही होगा अगर आपको मार्वल की मूवीज़ देखना पसंद है डीसी की मूवीज़ देखना पसंद है सुपर हीरो टाइप तो इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी जरूर से आपको पसंद आएगी काफ़ी बढ़िया इस मूवी में स्टोरी आप देख सकोगे एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है एंड इस मूवी में आपको कमाल की टकनीक के जो साइंस जो कंप्यूटर के जो एनिमेशन हैं वीएफएक्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे एंड इसके ए, 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 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो यह भी मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इस मूवी ने ब्रेक कर दिए थे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है डीसी कॉमिक्स करैक्टर्स द्वारा एंड फिफ्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है 2018 की ट्वेंटी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है ऑल टाइम सो जरूर से आपको यह मूवी देखना चाहिए आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप एक्वा मूवी को देख सकते हो सो so इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हो एंड इस मूवी को आप वार्नर ब्रोज की वेबसाइट पर देख सकते हो साथ ही के साथ एप्पल टीवी पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना तो आप देख रहे हैं मूवी रिव्यू मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे टू में रिलीज़ हुई एक्वा मूवी के बारे में यह मूवी भले ही टू में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी 2018 में रिलीज हुई एक्वा मैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एक्वा मूवी आप कहां पर देख पाओगे साथ ही में आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको एक्वा मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको बताएंगे कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी फुल डिटेल में एक्एमए मूवी के बारे में जानना पसंद करते हो साथ ही में आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो एक्एमएन मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स वॉन ने जेम्स वॉन जो कि एक अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर एंड कॉमिक बुक राइटर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है और उनकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉरर फ्रेंचाइजी ओवर टू बिलियन है और इस उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी जो हॉरर मूवीज़ को डायरेक्ट किया है एंड सुपर हीरो मूवी को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो एक्वा मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डेविड लेसली ने एम सी गोल्ड्रिक ने एंड विल वायल ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की जियोफ जोहस ने जेम्स वॉन ने एंड बिल बयाल ने प्रोड्यूस किया है एक्वामेंट मूवी को पीटर सेफरान ने रॉब कौ कोवान ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसन मोमोआ देखने को मिलेंगे उसके आगे एम्बर हर्ड देखने को मिलेंगे विलम डेफोय देखने को मिल जाएंगे पैट्रिक विल्सन देखने को मिल जाएंगे डॉल्फ लनग्रीन देखने को मिल जाएंगे याया अब्दुल मैटीन देखने को मिल जाएंगे एंड निकोल किडमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे उसके आगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एक्वा मैन मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डॉन बर्गस ने और एडिट किया है इस मूवी को किर्क मोरी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का रूपर्ट ग्रैक्सन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के वार्नर ब्रोज पिक्चर्स, डीसी एंटरटेनमेंट डीसी फिल्म्स, रैट पैक एंटरटेनमेंट द सैफरन कंपनी क्रूअल एंड अनयूज़ुअल फिल्म्स, मैड गोस्ट प्रोडक्शंस। डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर लेते हैं तो एक्वा मैन मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रोस पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट 21 दिसंबर 2018 है रनिंग टाइम में इस मूवी का 143 फोर्टी थ्री मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो एक्वा मैन मूवी को 160 से लेकर 200 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन बिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे बड़े लीडिंग रोल में जैसन ममोआ ने आर्थर करी मतलब कि एक्वा मैन का कैरेक्टर लीडिंग रोल में निभाया है एम्बर हर्ड ने मैरा का कैरेक्टर निभाया है विलेम डाफोए ने वुल्को का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक विल्सन ने किंगम का कैरेक्टर निभाया है डॉल्फ लनग्रैन ने किंग King... ने, नेरेस का करैक्टर निभाया है जहाया अब्दुल मैटीन वन टू ने डेविड कैने एंड ब्लैक मंटा का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो यह एक सुपर हीरो मूवी है डीसी द्वारा बनाई गई है डीसी एक प्रोडक्शन कंपनी है आपको पता ही होगा अगर आपको मार्वल की मूवीज़ देखना पसंद है डीसी की मूवीज़ देखना पसंद है सुपर हीरो टाइप है, तो इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी जरूर से आपको पसंद आएगी काफ़ी बढ़िया इस मूवी में स्टोरी आप देख सकोगे एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है एंड इस मूवी में आपको कमाल की टकनीक के जो साइंस जो कंप्यूटर के जो एनिमेशन हैं वीएफएक्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे एंड इसके ए, 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 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो यह भी मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इस मूवी ने ब्रेक कर दिए थे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है डीसी कॉमिक्स करेक्टर्स द्वारा एंड फिफ्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है 2018 की ट्वेंटी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है ऑल टाइम सो ज़रूर से आपको यह मूवी देखना चाहिए आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप एक्वाम मूवी को देख सकते हो सो so, इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हो एंड इस मूवी को आप वार्नर ब्रोज की वेबसाइट पर देख सकते हो साथ ही के साथ एप्पल टीवी पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना तो आप देख रहे हैं मूवी रिव्यू मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे टू में रिलीज़ हुई एक्वा मैड मूवी के बारे में यह मूवी भले ही 2018 में रिलीज हुई हो लेकिन आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी 2018 में रिलीज़ हुई एक्वा मैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एक्वा मैंड मूवी आप कहाँ पर देख पाओगे साथ ही में आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको एक्वा मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही मैं आपको बताएंगे कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी फुल डिटेल में एक्एमए मूवी के बारे में जानना पसंद करते हो साथ ही में आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो एक्एमएन मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स वॉन ने जेम्स वॉन जो कि एक अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर एंड कॉमिक बुक राइटर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है और उनकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉरर फ्रेंचाइजी ओवर टू बिलियन है और इस उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी जो हॉरर मूवीज़ को डायरेक्ट किया है एंड सुपर हीरो मूवी को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो एक्वा मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डेविड लेसली ने एम सी गोल्ड्रिक ने एंड विल वायल ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की जियोफ जोहस ने जेम्स वॉन ने एंड बिल बयाल ने प्रोड्यूस किया है एक्वामेंट मूवी को पीटर सैफरान ने रॉब कौ कोवान ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसन मोमोआ देखने को मिलेंगे उसके आगे एम्बर हर्ड देखने को मिलेंगे विलम डेफोय देखने को मिल जाएंगे पैट्रिक विल्सन देखने को मिल जाएंगे डॉल्फ लनग्रीन देखने को मिल जाएंगे याया अब्दुल मैटीन देखने को मिल जाएंगे एंड निकोल किडमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे उसके आगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एक्वा मैन मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डॉन बर्गस ने और एडिट किया है इस मूवी को किर्क मोरी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का रूपर्ट ग्रैक्सन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के वार्नर ब्रोज पिक्चर्स, डीसी एंटरटेनमेंट डीसी फिल्म्स, रैट पैक एंटरटेनमेंट, द सैफरन कंपनी क्रूअल एंड अनयूज़ुअल फिल्म्स, मैड गोस्ट प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर लेते हैं तो एक्वा मैड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रोस पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट 21 दिसंबर 2018 है रनिंग टाइम में इस मूवी का 143 मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो एक्वा मैन मूवी को 160 से लेकर 200 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन बिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे बड़े लीडिंग रोल में जैसन ममोवा ने आर्थर करी मतलब कि एक्वा मैन का कैरेक्टर लीडिंग रोल में निभाया है एम्बर हर्ड ने मैरा का कैरेक्टर निभाया है विलेम डाफोए ने वुल्को का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक विल्सन ने किंगम का कैरेक्टर निभाया है डॉल्फ लनग्रैन ने किंग नरेस ने, का करैक्टर निभाया है जहा अब्दुल मैटीन वन टू ने डेविड कैने एंड ब्लैक मंटा का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो यह एक सुपर हीरो मूवी है डीसी द्वारा बनाई गई है डीसी एक प्रोडक्शन कंपनी है आपको पता ही होगा अगर आपको मार्वल की मूवीज़ देखना पसंद है डीसी की मूवीज़ देखना पसंद है सुपर हीरो टाइप तो इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी ज़रूर से आपको पसंद आएगी काफ़ी बढ़िया इस मूवी में स्टोरी आप देख सकोगे एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है एंड इस मूवी में आपको कमाल की तकनीक के जो साइंस जो कंप्यूटर के जो एनिमेशन हैं वीएफएक्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे एंड इसके एँग, एँग, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो यह भी मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इस मूवी ने ब्रेक कर दिए थे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है डीसी कॉमिक्स कॉमिक द्वारा एंड फिफ्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है 2018 की ट्वेंटी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है ऑल टाइम सो ज़रूर से आपको यह मूवी देखना चाहिए आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप एक्वा मूवी को देख सकते हो सो so इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हो एंड इस मूवी को आप वार्नर ब्रोज की वेबसाइट पर देख सकते हो साथ ही के साथ एप्पल टीवी पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना तो आप देख रहे हैं मूवी रिव्यू मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे टू में रिलीज़ हुई एक्वा मैन मूवी के बारे में यह मूवी भले ही टू में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी 2018 में रिलीज हुई एक्वा मैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एक्वा मूवी आप कहां पर देख पाओगे साथ ही में आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको एक्वा मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही मैं आपको बताएँगे कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी फुल डिटेल में एक्एम मूवी के बारे में जानना पसंद करते हो साथ ही में आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो एक्एमैन मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स वॉन ने जेम्स वॉन जो कि एक अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर एंड कॉमिक बुक राइटर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है और उनकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉर फ्रेंचाइजी ओवर टू बिलियन है और इस उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी जो हॉरर मूवीज़ को डायरेक्ट किया है एंड सुपर हीरो मूवी को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो एक्वा मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डेविड लेसली ने एम सी गोल्ड्रिक ने एंड विल वायल ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की जियोफ जोहस ने जेम्स वॉन ने एंड बिल बयाल ने प्रोड्यूस किया है एक्वाम मूवी को पीटर सैफरान ने रॉब कौ कोवान ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसन मोमोवा देखने को मिलेंगे उसके आगे एम्बर हर्ड देखने को मिलेंगे विलम डेफोए देखने को मिल जाएंगे पैट्रिक विल्सन देखने को मिल जाएंगे डॉल्फ लनग्रीन देखने को मिल जाएंगे याया अब्दुल मैटीन देखने को मिल जाएंगे एंड निकोल किडमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे उसके आगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एक्वा मैन मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डॉन बर्गस ने और एडिट किया है इस मूवी को किर्क मोरी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का रूपर्ट ग्रैक्सन विलियम्स ने Production companies as movie K, Warner Bros. Pictures, DC Entertainment, DC Films, Rat Pack Entertainment, The Saffron Company, Cruel and Unusual Films, Mad Ghost Productions. डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर लेते हैं तो एक्वा मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रोस पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट 21 दिसंबर 2018 है रनिंग टाइम में इस मूवी का 143 मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो एक्वा मूवी को वन से लेकर टू मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन बिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे बड़े लीडिंग रोल में जैसन ममोवा ने आर्थर करी मतलब कि एक्वा मैन का कैरेक्टर लीडिंग रोल में निभाया है एम्बर हर्ड ने मैरा का कैरेक्टर निभाया है विलेम डाफोए ने वुल्को का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक विल्सन ने ऑरम का कैरेक्टर निभाया है डॉल्फ लनग्रैन ने किंग नरेस ने, का कैरेक्टर निभाया है जहाँ अब्दुल मैटीन वन टू ने डेविड कैने एंड ब्लैक मंटा का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो यह एक सुपर हीरो मूवी है डीसी द्वारा बनाई गई है डीसी एक प्रोडक्शन कंपनी है आपको पता ही होगा अगर आपको मार्वल की मूवीज़ देखना पसंद है डीसी की मूवीज़ देखना पसंद है सुपर हीरो टाइप है, तो इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी ज़रूर से आपको पसंद आएगी काफ़ी बढ़िया इस मूवी में स्टोरी आप देख सकोगे एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है एंड इस मूवी में आपको कमाल की तकनीक के जो साइंस जो कंप्यूटर के जो एनिमेशन हैं वीएफएक्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे एंड इसके ए, 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 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो यह भी मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इस मूवी ने ब्रेक कर दिए थे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है डीसी सी कॉमिस करैक्टर्स द्वारा एंड फिफ्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है 2018 की ट्वेंटी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है ऑल टाइम सो जरूर से आपको यह मूवी देखना चाहिए आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप एक्वा मन मूवी को देख सकते हो सो so, इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हो एंड इस मूवी को आप वार्नर ब्रोज की वेबसाइट पर देख सकते हो साथ ही के साथ एप्पल टीवी पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना तो आप देख रहे हैं मूवी रिव्यू मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे टू में रिलीज हुई एक्वा मैन मूवी के बारे में यह मूवी भले ही टू में रिलीज हुई हो लेकिन आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी 2018 में रिलीज़ हुई एक्वा मैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एक्वा मैंड मूवी आप कहाँ पर देख पाओगे साथ ही में आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको एक्वा मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको बताएंगे कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी फुल डिटेल में एक्एम मूवी के बारे में जानना पसंद करते हो साथ ही में आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो एक्एम मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स वॉन ने जेम्स वॉन जो कि एक अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर एंड कॉमिक बुक राइटर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है और उनकी हाइस्ट ग्रॉसिंग हॉर फ्रेंचाइजी ओवर टू बिलियन है और इस उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी जो हॉरर मूवीज़ को डायरेक्ट किया है एंड सुपर हीरो मूवी को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो एक्वा मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डेविड लेस्ली जोहसन ने एम सी गोल्ड्रिक ने एंड विल वायल ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की जियोफ जोहस ने जेम्स वॉन ने एंड बिल बयाल ने प्रोड्यूस किया है एक्वामेंट मूवी को पीटर सैफरान ने रॉब कौ ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसन मोमोवा देखने को मिलेंगे उसके आगे एम्बर हर्ड देखने को मिलेंगे विलम डेफॉए देखने को मिल जाएंगे पैट्रिक विल्सन देखने को मिल जाएंगे डॉल्फ लनग्रीन देखने को मिल जाएंगे याया अब्दुल मैटीन देखने को मिल जाएंगे एंड निकोल किडमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे उसके आगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एक्वा मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डॉन बर्गस ने और एडिट किया है इस मूवी को किर्क मोरी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का रूपॉट ग्रैक्सन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के वार्नर ब्रोज पिक्चर्स, डीसी एंटरटेनमेंट डीसी फिल्म्स, रैट पैक एंटरटेनमेंट द सैफरन कंपनी क्रूअल एंड अनयूज़ुअल फिल्म्स, मैड गोस्ट प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर लेते हैं तो एक्वा मैन मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रोस पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट 21 दिसंबर 2018 है रनिंग टाइम में इस मूवी का 143 फोर्टी थ्री मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो एक्वा मैन मूवी को वन से लेकर टू मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन बिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे बड़े लीडिंग रोल में जैसन ममोवा ने आर्थर करी मतलब कि एक्वा मैन का कैरेक्टर लीडिंग रोल में निभाया है एम्बर हर्ड ने मैरा का कैरेक्टर निभाया है विलेम डाफोए ने वुल्को का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक विल्सन ने ऑरम का कैरेक्टर निभाया है डॉल्फ लनग्रैन ने किंग ने, नेरेस का करैक्टर निभाया है जहाया अब्दुल मैटीन वन टू ने डेविड कैने एंड ब्लैक मंटा का करैक्टर निभाया है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो यह एक सुपर हीरो मूवी है डीसी द्वारा बनाई गई है डीसी एक प्रोडक्शन कंपनी है आपको पता ही होगा अगर आपको मार्वल की मूवीज़ देखना पसंद है डीसी की मूवीज़ देखना पसंद है सुपर हीरो टाइप है, तो इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी ज़रूर से आपको पसंद आएगी काफ़ी बढ़िया इस मूवी में स्टोरी आप देख सकोगे एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है एंड इस मूवी में आपको कमाल की टकनीक के जो साइंस जो कंप्यूटर के जो एनिमेशन हैं वीएफएक्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे एंड इसके ए, 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 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो यह भी मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इस मूवी ने ब्रेक कर दिए थे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है डीसी कॉमिक्स करेक्टर्स द्वारा एंड फिफ्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है 2018 की ट्वेंटी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है ऑल टाइम सो जरूर से आपको यह मूवी देखना चाहिए आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप एक्वा मूवी को देख सकते हो सो so, इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हो एंड इस मूवी को आप वार्नर ब्रोज की वेबसाइट पर देख सकते हो साथ ही के साथ एप्पल टीवी पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना तो आप देख रहे हैं मूवी रिव्यू मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे टू में रिलीज़ हुई एक्वा मैड मूवी के बारे में यह मूवी भले ही टू में रिलीज हुई हो लेकिन आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी 2018 में रिलीज हुई एक्वा मैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एक्वा मूवी आप कहाँ पर देख पाओगे साथ ही में आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको एक्वा मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको बताएँगे कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी फुल डिटेल में एक्एम मूवी के बारे में जानना पसंद करते हो साथ ही में आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो एक्एमएड मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स वॉन ने जेम्स वॉन जो कि एक अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर एंड कॉमिक बुक राइटर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है और उनकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉर फ्रेंचाइजी ओवर टू बिलियन है और इस उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी जो हॉरर मूवीज़ को डायरेक्ट किया है एंड सुपर हीरो मूवी को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो एक्वा मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डेविड लेसली जोहसन ने एम सी गोल्ड्रिक ने एंड विल वायल ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की जियोफ जोहस ने जेम्स वॉन ने एंड बिल बयाल ने प्रोड्यूस किया है एक्वा मूवी को पीटर सैफरान ने रॉब कॉवान कौ, ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसन मोमोवा देखने को मिलेंगे उसके आगे एम्बर हर्ड देखने को मिलेंगे विलम डेफोय देखने को मिल जाएंगे पैट्रिक विल्सन देखने को मिल जाएंगे डॉल्फ लनग्रीन देखने को मिल जाएंगे याया अब्दुल मैटीन देखने को मिल जाएंगे एंड निकोल किडमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे उसके आगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एक्वा मूवी में सीनेमाइटोग्राफी की है डॉन बर्कस ने और एडिट किया है इस मूवी को किर्क मोरी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का रूपर्ट ग्रैक्सन विलियम्स ने Production companies as movie K, Warner Bros. Pictures, DC Entertainment, DC Films, Rat Pack Entertainment, The Saffron Company, Cruel and Unusual Films, Mad Ghost Productions. डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर लेते हैं तो एक्वा मैन मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रोस पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट 21 दिसंबर 2018 है रनिंग टाइम में इस मूवी का 143 फोर्टी थ्री मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो एक्वा मैन मूवी को 160 से लेकर 200 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन बिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसन ममोआ ने आर्थर करी मतलब कि एक्वा मैन का कैरेक्टर लीडिंग रोल में निभाया है एम्बर हर्ड मेरा है। ने मैरा का कैरेक्टर निभाया है विलेम डाफोए ने वुल्को का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक विल्सन ने ऑरम का कैरेक्टर निभाया है डॉल्फ लनग्रैन ने किंग ने, नेरेस का करैक्टर निभाया है जहाया अब्दुल मैटीन वन टू ने डेविड कैने एंड ब्लैक मंटा का करैक्टर निभाया है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो यह एक सुपर हीरो मूवी है डीसी द्वारा बनाई गई है डीसी एक प्रोडक्शन कंपनी है आपको पता ही होगा अगर आपको मार्वल की मूवीज़ देखना पसंद है डीसी की मूवीज़ देखना पसंद है सुपर हीरो टाइप तो इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी जरूर से आपको पसंद आएगी काफ़ी बढ़िया इस मूवी में स्टोरी आप देख सकोगे एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है एंड इस मूवी में आपको कमाल की टकनीक के जो साइंस जो कंप्यूटर के जो एनिमेशन हैं वीएफएक्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे एंड इसके ए, 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 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो यह भी मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इस मूवी ने ब्रेक कर दिए थे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है डीसी कॉमिक्स करैक्टर्स द्वारा एंड फिफ्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है 2018 की ट्वेंटी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है ऑल टाइम सो ज़रूर से आपको यह मूवी देखना चाहिए आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप एक्वा मूवी को देख सकते हो सो so इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हो एंड इस मूवी को आप वार्नर ब्रोज की वेबसाइट पर देख सकते हो साथ ही के साथ एप्पल टीवी पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना तो आप देख रहे हैं मूवी रिव्यू मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे टू में रिलीज़ हुई एक्वा मूवी के बारे में यह मूवी भले ही टू में रिलीज हुई हो लेकिन आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी 2018 में रिलीज़ हुई एक्वा मैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एक्वा मैंड मूवी आप कहाँ पर देख पाओगे साथ ही में आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको एक्वा मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको बताएंगे कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी फुल डिटेल में एक्एमए मूवी के बारे में जानना पसंद करते हो साथ ही में आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो एक्एमएन मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स वॉन ने जेम्स वॉन जो कि एक अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर एंड कॉमिक बुक राइटर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है और उनकी हाइएस्ट ग्रॉसिंग हॉर फ्रेंचाइजी ओवर टू बिलियन है और इस उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी जो हॉरर मूवीज़ को डायरेक्ट किया है एंड सुपर हीरो मूवी को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो एक्वा मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डेविड लेसली जोहसन ने एम सी गोल्ड्रिक ने एंड विल वायल ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की जियोफ जोहस ने जेम्स वॉन ने एंड बिल बयाल ने प्रोड्यूस किया है एक्वा मूवी को पीटर सैफरान ने रॉब कौ कोवान ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसन मोमोवा देखने को मिलेंगे उसके आगे एम्बर हर्ड देखने को मिलेंगे विलम डेफोय देखने को मिल जाएंगे पैट्रिक विल्सन देखने को मिल जाएंगे डॉल्फ लनग्रीन देखने को मिल जाएंगे याया अब्दुल मैटीन देखने को मिल जाएंगे एंड निकोल किडमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे उसके आगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एक्वा मैन मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डॉन बर्गस ने और एडिट किया है इस मूवी को किर्क मोरी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का रूपर्ट ग्रैक्सन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के वार्नर ब्रोज पिक्चर्स, डीसी एंटरटेनमेंट डीसी फिल्म्स, रैट पैक एंटरटेनमेंट द सैफरन कंपनी क्रूअल एंड अनयूज़ुअल फिल्म्स, मैड गोस्ट प्रोडक्शंस। डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर लेते हैं तो एक्वा मैन मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रोस पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट 21 दिसंबर 2018 है रनिंग टाइम में इस मूवी का 143 थ्री मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो एक्वा मैन मूवी को 160 से लेकर 200 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन बिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे बड़े लीडिंग रोल में जैसन ममोआ ने आर्थर करी मतलब कि एक्वा मैन का कैरेक्टर लीडिंग रोल में निभाया है एम्बर हर्ड ने मैरा का कैरेक्टर निभाया है विलेम डाफोए ने वुल्को का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक विल्सन ने किंगम का कैरेक्टर निभाया है डॉल्फ लनग्रैन ने किंग ने, नेरेस का करैक्टर निभाया है जहाया अब्दुल मैटीन वन टू ने डेविड कैने एंड ब्लैक मंटा का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो यह एक सुपर हीरो मूवी है डीसी द्वारा बनाई गई है डीसी एक प्रोडक्शन कंपनी है आपको पता ही होगा अगर आपको मार्वल की मूवीज़ देखना पसंद है डीसी की मूवीज़ देखना पसंद है सुपर हीरो टाइप है, तो इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी जरूर से आपको पसंद आएगी काफ़ी बढ़िया इस मूवी में स्टोरी आप देख सकोगे एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है एंड इस मूवी में आपको कमाल की टकनीक के जो साइंस जो कंप्यूटर के जो एनिमेशन हैं वीएफएक्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे एंड इसके ए, 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 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो यह भी मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इस मूवी ने ब्रेक कर दिए थे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है डीसी कॉमिक्स करेक्टर्स द्वारा एंड फिफ्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है 2018 की ट्वेंटी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है ऑल टाइम सो ज़रूर से आपको यह मूवी देखना चाहिए आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप एक्वाम मूवी को देख सकते हो सो so इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हो एंड इस मूवी को आप वार्नर ब्रोज की वेबसाइट पर देख सकते हो साथ ही के साथ एप्पल टीवी पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना तो आप देख रहे हैं मूवी रिव्यू मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे टू में रिलीज़ हुई एक्वा मैन मूवी के बारे में यह मूवी भले ही 2018 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी 2018 में रिलीज़ हुई एक्वा मैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एक्वा मूवी आप कहां पर देख पाओगे साथ ही में आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको एक्वा मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही मैं आपको बताएंगे कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी फुल डिटेल में एक्एमए मूवी के बारे में जानना पसंद करते हो साथ ही में आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो एक्एमएन मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स वॉन ने जेम्स वॉन जो कि एक अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर एंड कॉमिक बुक राइटर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है और उनकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉरर फ्रेंचाइजी ओवर टू बिलियन है और इस उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी जो हॉरर मूवीज़ को डायरेक्ट किया है एंड सुपर हीरो मूवी को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो एक्वा मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डेविड लेसली ने एम सी गोल्ड्रिक ने एंड विल वायल ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की जियोफ जोहस ने जेम्स वॉन ने एंड बिल बयाल ने प्रोड्यूस किया है एक्वामेंट मूवी को पीटर सैफरान ने रॉब कौ कोवान ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसन मोमोआ देखने को मिलेंगे उसके आगे एम्बर हर्ड देखने को मिलेंगे विलम डेफोय देखने को मिल जाएंगे पैट्रिक विल्सन देखने को मिल जाएंगे डॉल्फ लनग्रीन देखने को मिल जाएंगे याया अब्दुल मैटीन देखने को मिल जाएंगे एंड निकोल किडमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे उसके आगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एक्वा मैन मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डॉन बर्गस ने और एडिट किया है इस मूवी को किरक मोरी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का रूपर्ट ग्रैक्सन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के वार्नर ब्रोज पिक्चर्स, डीसी एंटरटेनमेंट डीसी फिल्म्स, रैट पैक एंटरटेनमेंट, द सैफरन कंपनी क्रूअल एंड अनयूज़ुअल फिल्म्स, मैड गोस्ट प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर लेते हैं तो एक्वा मैड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रोस पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट 21 दिसंबर 2018 है रनिंग टाइम में इस मूवी का 143 मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो एक्वा मैन मूवी को 160 से लेकर 200 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन बिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे बड़े लीडिंग रोल में जैसन ममोवा ने आर्थर करी मतलब कि एक्वा मैन का कैरेक्टर लीडिंग रोल में निभाया है एम्बर हर्ड ने मैरा का कैरेक्टर निभाया है विलेम डाफोए ने वुल्को का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक विल्सन ने किंगम का कैरेक्टर निभाया है डॉल्फ लनग्रैन ने किंग नरेस ने, का करैक्टर निभाया है जहा अब्दुल मैटीन वन टू ने डेविड कैने एंड ब्लैक मंटा का करैक्टर निभाया है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो यह एक सुपर हीरो मूवी है डीसी द्वारा बनाई गई है डीसी एक प्रोडक्शन कंपनी है आपको पता ही होगा अगर आपको मार्वल की मूवीज़ देखना पसंद है डीसी की मूवीज़ देखना पसंद है सुपर हीरो टाइप तो इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी ज़रूर से आपको पसंद आएगी काफ़ी बढ़िया इस मूवी में स्टोरी आप देख सकोगे एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है एंड इस मूवी में आपको कमाल की तकनीक के जो साइंस जो कंप्यूटर के जो एनिमेशन हैं वीएफएक्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे एंड इसके ए, 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 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो यह भी मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इस मूवी ने ब्रेक कर दिए थे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है डीसी कॉमिक्स कॉमिक द्वारा एंड फिफ्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है 2018 की ट्वेंटी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है ऑल टाइम सो ज़रूर से आपको यह मूवी देखना चाहिए आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप एक्वा मूवी को देख सकते हो सो so इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हो एंड इस मूवी को आप वार्नर ब्रोज की वेबसाइट पर देख सकते हो साथ ही के साथ एप्पल टीवी पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना तो आप देख रहे हैं मूवी रिव्यू मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे टू में रिलीज़ हुई एक्वा मैन मूवी के बारे में यह मूवी भले ही टू में रिलीज हुई हो लेकिन आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी 2018 में रिलीज़ हुई एक्वा मैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एक्वा मैंड मूवी आप कहाँ पर देख पाओगे साथ ही में आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको एक्वा मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही मैं आपको बताएंगे कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी फुल डिटेल में एक्एम मूवी के बारे में जानना पसंद करते हो साथ ही में आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो एक्एमैन मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स वॉन ने जेम्स वॉन जो कि एक अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर एंड कॉमिक बुक राइटर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है और उनकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉर फ्रेंचाइजी ओवर टू बिलियन है और इस उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी जो हॉरर मूवीज़ को डायरेक्ट किया है एंड सुपर हीरो मूवी को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो एक्वा मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डेविड लेसली ने एम सी गोल्ड्रिक ने एंड विल वायल ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की जियोफ जोहस ने जेम्स वॉन ने एंड बिल बयाल ने प्रोड्यूस किया है एक्वामेंड मूवी को पीटर सैफरान ने रॉब कौ कोवान ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसन मोमोवा देखने को मिलेंगे उसके आगे एम्बर हर्ड देखने को मिलेंगे विलम डेफोय देखने को मिल जाएंगे पैट्रिक विल्सन देखने को मिल जाएंगे डॉल्फ लनग्रीन देखने को मिल जाएंगे याया अब्दुल मैटीन देखने को मिल जाएंगे एंड निकोल किडमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे उसके आगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो एक्वा मैन मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डॉन बर्गस ने और एडिट किया है इस मूवी को किर्क मोरी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का रूपर्ट ग्रैक्सन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के वार्नर ब्रोज पिक्चर्स, डीसी एंटरटेनमेंट डीसी रैट पैक एंटरटेनमेंट द सैफरन कंपनी क्रूअल एंड अनयूज़ुअल फिल्म्स, मैड गोस्ट प्रोडक्शनस डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर लेते हैं तो एक्वा मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रोस पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट 21 दिसंबर 2018 है रनिंग टाइम में इस मूवी का 143 मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो एक्वा मूवी को वन से लेकर टू मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन बिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे बड़े लीडिंग रोल में जैसन ममोवा ने आर्थर करी मतलब कि एक्वा मैन का कैरेक्टर लीडिंग रोल में निभाया है एम्बर हर्ड ने मैरा का कैरेक्टर निभाया है विलेम डाफोए ने वुल्को का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक विल्सन ने ऑरम का कैरेक्टर निभाया है डॉल्फ लनग्रैन ने किंग नरेस ने, का कैरेक्टर निभाया है जहाया अब्दुल मैटीन वन टू ने डेविड कैने एंड ब्लैक मंटा का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो यह एक सुपर हीरो मूवी है डीसी द्वारा बनाई गई है डीसी एक प्रोडक्शन कंपनी है आपको पता ही होगा अगर आपको मार्वल की मूवीज़ देखना पसंद है डीसी की मूवीज़ देखना पसंद है सुपर हीरो टाइप है, तो इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी ज़रूर से आपको पसंद आएगी काफ़ी बढ़िया इस मूवी में स्टोरी आप देख सकोगे एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है एंड इस मूवी में आपको कमाल की तकनीक के जो साइंस जो कंप्यूटर के जो एनिमेशन हैं वीएफएक्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे एंड इसके ए, 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 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो यह भी मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इस मूवी ने ब्रेक कर दिए थे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है डीसी सी कॉमिक करैक्टर्स द्वारा एंड फिफ्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है 2018 की ट्वेंटी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है ऑल टाइम सो जरूर से आपको यह मूवी देखना चाहिए आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप एक्वा मन मूवी को देख सकते हो सो so इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हो एंड इस मूवी को आप वार्नर ब्रोज की वेबसाइट पर देख सकते हो साथ ही के साथ एप्पल टीवी पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना तो आप देख रहे हैं मूवी रिव्यू मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे 2018 में रिलीज़ हुई एक्वा मैड मूवी के बारे में यह मूवी भले ही 2018 में रिलीज हुई हो लेकिन आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी 2018 में रिलीज हुई एक्वा मैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एक्वा मूवी आप कहां पर देख पाओगे साथ ही में आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको एक्वा मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको बताएंगे कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी फुल डिटेल में एक्एम मूवी के बारे में जानना पसंद करते हो साथ ही में आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो एक्एम मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स वॉन ने जेम्स वॉन जो कि एक अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर एंड कॉमिक बुक राइटर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है और उनकी हाइस्ट ग्रॉसिंग हॉर फ्रेंचाइजी ओवर टू बिलियन है और इस उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी जो हॉरर मूवीज़ को डायरेक्ट किया है एंड सुपर हीरो मूवी को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो एक्वा मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डेविड लेस्ली जोहसन ने एम सी गोल्ड्रिक ने एंड विल वायल ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की जियोफ जोहस ने जेम्स वॉन ने एंड बिल बयाल ने प्रोड्यूस किया है एक्वामेंट मूवी को पीटर सैफरान ने रॉब कौ ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसन मोमोवा देखने को मिलेंगे उसके आगे एम्बर हर्ड देखने को मिलेंगे विलम डेफॉए देखने को मिल जाएंगे पैट्रिक विल्सन देखने को मिल जाएंगे डॉल्फ लनग्रीन देखने को मिल जाएंगे याया अब्दुल मैटीन देखने को मिल जाएंगे एंड निकोल किडमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे उसके आगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एक्वा मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डॉन बर्गस ने और एडिट किया है इस मूवी को किर्क मोरी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का रूपॉट ग्रैक्सन विलियम्स ने Production companies as movie K, Warner Bros. Pictures, DC Entertainment, DC Films, Rat Pack Entertainment, The Saffron Company, Cruel and Unusual Films, Mad Ghost Productions. डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर लेते हैं तो एक्वा मैन मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रोस पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट 21 दिसंबर 2018 है रनिंग टाइम में इस मूवी का 143 फोर्टी थ्री मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो एक्वा मैन मूवी को वन से लेकर टू मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन बिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे बड़े लीडिंग रोल में जैसन ममोवा ने आर्थर करी मतलब कि एक्वा मैन का कैरेक्टर लीडिंग रोल में निभाया ka है एम्बर हर्ड ने मैरा का कैरेक्टर निभाया है विलेम डाफोए ने वुल्को का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक विल्सन ने ऑरम का कैरेक्टर निभाया है डॉल्फ लनग्रैन ने किंग ने, नेरेस का करैक्टर निभाया है जहाया अब्दुल मैटीन वन टू ने डेविड कैने एंड ब्लैक मंटा का करैक्टर निभाया है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो यह एक सुपर हीरो मूवी है डीसी द्वारा बनाई गई है डीसी एक प्रोडक्शन कंपनी है आपको पता ही होगा अगर आपको मार्वल की मूवीज़ देखना पसंद है डीसी की मूवीज़ देखना पसंद है सुपर हीरो टाइप है, तो इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी ज़रूर से आपको पसंद आएगी काफ़ी बढ़िया इस मूवी में स्टोरी आप देख सकोगे एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है एंड इस मूवी में आपको कमाल की टकनीक के जो साइंस जो कंप्यूटर के जो एनिमेशन हैं वीएफएक्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे एंड इसके ए, 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 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो यह भी मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इस मूवी ने ब्रेक कर दिए थे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है डीसी कॉमिक्स करेक्टर्स द्वारा एंड फिफ्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है 2018 की ट्वेंटी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है ऑल टाइम सो जरूर से आपको यह मूवी देखना चाहिए आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप एक्वा मूवी को देख सकते हो सो so, इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हो एंड इस मूवी को आप वार्नर ब्रोज की वेबसाइट पर देख सकते हो साथ ही के साथ एप्पल टीवी पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना तो आप देख रहे हैं मूवी रिव्यू मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे टू में रिलीज़ हुई एक्वा मैड मूवी के बारे में यह मूवी भले ही टू में रिलीज हुई हो लेकिन आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी 2018 में रिलीज़ हुई एक्वा मैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एक्वा मैंड मूवी आप कहाँ पर देख पाओगे साथ ही में आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको एक्वा मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको बताएंगे कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी फुल डिटेल में एक्एम मूवी के बारे में जानना पसंद करते हो साथ ही में आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो एक्एमएड मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स वॉन ने जेम्स वॉन जो कि एक अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर एंड कॉमिक बुक राइटर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है और उनकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉर फ्रेंचाइजी ओवर टू बिलियन है और इस उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी जो हॉरर मूवीज़ को डायरेक्ट किया है एंड सुपर हीरो मूवी को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो एक्वा मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डेविड लेस्ली ने एम सी गोल्ड्रिक ने एंड विल वायल ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की जियोफ जोहस ने जेम्स वॉन ने एंड बिल बयाल ने प्रोड्यूस किया है एक्वा मूवी को पीटर सैफरान ने रॉब कॉवान कौ, ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसन मोमोवा देखने को मिलेंगे उसके आगे एम्बर हर्ड देखने को मिलेंगे विलम डेफोय देखने को मिल जाएंगे पैट्रिक विल्सन देखने को मिल जाएंगे डॉल्फ लनग्रीन देखने को मिल जाएंगे याया अब्दुल मैटीन देखने को मिल जाएंगे एंड निकोल किडमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे उसके आगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एक्वा मूवी में सीनेमाइटोग्राफी की है डॉन बर्कस ने और एडिट किया है इस मूवी को किर्क मोरी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का रूपर्ट ग्रैक्सन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के वार्नर ब्रोज पिक्चर्स, डीसी एंटरटेनमेंट डीसी फिल्म्स, रैट पैक एंटरटेनमेंट द सैफरन कंपनी क्रूअल एंड अनयूजुअल फिल्म्स, मैड गोस्ट प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर लेते हैं तो एक्वा मैन मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रोस पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट 21 दिसंबर 2018 है रनिंग टाइम में इस मूवी का 143 फोर्टी थ्री मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो एक्वा मैन मूवी को 160 से लेकर 200 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन बिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसन ममोआ ने आर्थर करी मतलब कि एक्वा मैन का कैरेक्टर लीडिंग रोल में निभाया है एम्बर हर्ड ने मैरा का कैरेक्टर निभाया है विलेम डाफोए ने वुल्को का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक विल्सन ने ऑरम का कैरेक्टर निभाया है डॉल्फ लनग्रैन ने किंग ने, नेरेस का करैक्टर निभाया है जहाया अब्दुल मैटीन वन टू ने डेविड कैने एंड ब्लैक मंटा का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो यह एक सुपर हीरो मूवी है डीसी द्वारा बनाई गई है डीसी एक प्रोडक्शन कंपनी है आपको पता ही होगा अगर आपको मार्वल की मूवीज़ देखना पसंद है डीसी की मूवीज़ देखना पसंद है सुपर हीरो टाइप तो इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी जरूर से आपको पसंद आएगी काफ़ी बढ़िया इस मूवी में स्टोरी आप देख सकोगे एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है एंड इस मूवी में आपको कमाल की टकनीक के जो साइंस जो कंप्यूटर के जो एनिमेशन हैं वीएफएक्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे एंड इसके एँग, एँग, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो यह भी मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इस मूवी ने ब्रेक कर दिए थे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है डीसी कॉमिक्स करैक्टर्स द्वारा एंड फिफ्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है 2018 की ट्वेंटी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है ऑल टाइम सो जरूर से आपको यह मूवी देखना चाहिए आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप एक्वा मूवी को देख सकते हो सो so इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हो एंड इस मूवी को आप वार्नर ब्रोज की वेबसाइट पर देख सकते हो साथ ही के साथ एप्पल टीवी पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना तो आप देख रहे हैं मूवी रिव्यू मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे टू में रिलीज़ हुई एक्वा मूवी के बारे में यह मूवी भले ही टू में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी 2018 में रिलीज हुई एक्वा मैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एक्वा मूवी आप कहां पर देख पाओगे साथ ही में आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको एक्वा मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही मैं आपको बताएँगे कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी फुल डिटेल में एक्एमए मूवी के बारे में जानना पसंद करते हो साथ ही में आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो एक्एमएन मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स वॉन ने जेम्स वॉन जो कि एक अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर एंड कॉमिक बुक राइटर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है और उनकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉरर फ्रेंचाइजी ओवर टू बिलियन है और इस उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी जो हॉरर मूवीज़ को डायरेक्ट किया है एंड सुपर हीरो मूवी को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो एक्वा मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डेविड लेसली जोहसन ने एम सी गोल्ड्रिक ने एंड विल वायल ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की जियोफ जोहस ने जेम्स वॉन ने एंड बिल बयाल ने प्रोड्यूस किया है एक्वामेंट मूवी को पीटर सेफरान ने रॉब कौ कोवान ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसन मोमोआ देखने को मिलेंगे उसके आगे एम्बर हर्ड देखने को मिलेंगे विलम डेफोय देखने को मिल जाएंगे पैट्रिक विल्सन देखने को मिल जाएंगे डॉल्फ लनग्रीन देखने को मिल जाएंगे याया अब्दुल मैटीन देखने को मिल जाएंगे एंड निकोल किडमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे उसके आगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एक्वा मैन मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डॉन बर्गस ने और एडिट किया है इस मूवी को किर्क मोरी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का रूपर्ट ग्रैक्सन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी के वार्नर ब्रोज पिक्चर्स, डीसी एंटरटेनमेंट डीसी फिल्म्स, रैट पैक एंटरटेनमेंट द सैफरन कंपनी क्रूअल एंड अनयूजुअल फिल्म्स, मैड गोस्ट प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर लेते हैं तो एक्वा मैन मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रोस पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट 21 दिसंबर 2018 है रनिंग टाइम में इस मूवी का 143 फोर्टी थ्री मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो एक्वा मैन मूवी को 160 से लेकर 200 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वन बिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे बड़े लीडिंग रोल में जैसन ममोआ ने आर्थर करी मतलब कि एक्वा मैन का कैरेक्टर लीडिंग रोल में निभाया है एम्बर हर्ड ने मैरा का कैरेक्टर निभाया है विलेम डाफोए ने वुल्को का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक विल्सन ने किंगम का कैरेक्टर निभाया है डॉल्फ लनग्रैन ने किंग ने, नेरेस का करैक्टर निभाया है जहाया अब्दुल मैटीन वन टू ने डेविड कैने एंड ब्लैक मंटा का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो यह एक सुपर हीरो मूवी है डीसी द्वारा बनाई गई है डीसी एक प्रोडक्शन कंपनी है आपको पता ही होगा अगर आपको मार्वल की मूवीज़ देखना पसंद है डीसी की मूवीज़ देखना पसंद है सुपर हीरो टाइप है, तो इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी जरूर से आपको पसंद आएगी काफ़ी बढ़िया इस मूवी में स्टोरी आप देख सकोगे एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है एंड इस मूवी में आपको कमाल की टकनीक के जो साइंस जो कंप्यूटर के जो एनिमेशन हैं वीएफएक्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे एंड इसके ए, 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 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो यह भी मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इस मूवी ने ब्रेक कर दिए थे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है डीसी कॉमिक्स करेक्टर्स द्वारा एंड फिफ्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है 2018 की ट्वेंटी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है ऑल टाइम सो ज़रूर से आपको यह मूवी देखना चाहिए आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप एक्वाम मूवी को देख सकते हो सो so इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हो एंड इस मूवी को आप वार्नर ब्रोज की वेबसाइट पर देख सकते हो साथ ही के साथ एप्पल टीवी पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना तो आप देख रहे हैं मूवी रिव्यू मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे टू में रिलीज़ हुई एक्वा मैड मूवी के बारे में यह मूवी भले ही 2018 में रिलीज हुई हो लेकिन आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी 2018 में रिलीज़ हुई एक्वा मैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एक्वा मैंड मूवी आप कहाँ पर देख पाओगे साथ ही में आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको एक्वा मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही मैं आपको बताएंगे कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी फुल डिटेल में एक्एमए मूवी के बारे में जानना पसंद करते हो साथ ही में आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो एक्एमएन मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स वॉन ने जेम्स वॉन जो कि एक अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर एंड कॉमिक बुक राइटर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है और उनकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉरर फ्रेंचाइजी ओवर टू बिलियन है और इस उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी जो हॉरर मूवीज़ को डायरेक्ट किया है एंड सुपर हीरो मूवी को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो एक्वा मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डेविड लेसली ने एम सी गोल्ड्रिक ने एंड विल वायल ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की जियोफ जोहस ने जेम्स वॉन ने एंड बिल बयाल ने प्रोड्यूस किया है एक्वामेंट मूवी को पीटर सैफरान ने रॉब कौ कोवान ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसन मोमोआ देखने को मिलेंगे उसके आगे एम्बर हर्ड देखने को मिलेंगे विलम डेफोय देखने को मिल जाएंगे पैट्रिक विल्सन देखने को मिल जाएंगे डॉल्फ लनग्रीन देखने को मिल जाएंगे याया अब्दुल मैटीन देखने को मिल जाएंगे एंड निकोल किडमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे उसके आगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एक्वा मैन मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डॉन बर्गस ने और एडिट किया है इस मूवी को किर्क मोरी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का रूपर्ट ग्रैक्सन विलियम्स ने प्रोडक्शन हैं इस मूवी के वार्नर ब्रोज पिक्चर्स, डीसी एंटरटेनमेंट डीसी फिल्म्स, रैट पैक एंटरटेनमेंट, द सैफरन कंपनी क्रूअल एंड अनयूज़ुअल फिल्म्स, मैड गोस्ट प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर लेते हैं तो एक्वा मैड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रोस पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट 21 दिसंबर 2018 है रनिंग टाइम में इस मूवी का 143 मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो एक्वा मैन मूवी को 160 से लेकर 200 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन बिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे बड़े लीडिंग रोल में जैसन ममोवा ने आर्थर करी मतलब कि एक्वा मैन का कैरेक्टर लीडिंग रोल में निभाया है एम्बर हर्ड ने मैरा का कैरेक्टर निभाया है विलेम डाफोए ने वुल्को का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक विल्सन ने किंगम का कैरेक्टर निभाया है डॉल्फ लनग्रैन ने किंग King... नरेस ने, का करैक्टर निभाया है जहा अब्दुल मैटीन वन टू ने डेविड कैने एंड ब्लैक मंटा का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो यह एक सुपर हीरो मूवी है डीसी द्वारा बनाई गई है डीसी एक प्रोडक्शन कंपनी है आपको पता ही होगा अगर आपको मार्वल की मूवीज़ देखना पसंद है डीसी की मूवीज़ देखना पसंद है सुपर हीरो टाइप तो इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी ज़रूर से आपको पसंद आएगी काफ़ी बढ़िया इस मूवी में स्टोरी आप देख सकोगे एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है एंड इस मूवी में आपको कमाल की तकनीक के जो साइंस जो कंप्यूटर के जो एनिमेशन हैं वीएफएक्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे एंड इसके एँग, एँग, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो यह भी मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इस मूवी ने ब्रेक कर दिए थे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है डीसी कॉमिक्स कॉमिस द्वारा एंड फिफ्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है 2018 की ट्वेंटी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है ऑल टाइम सो ज़रूर से आपको यह मूवी देखना चाहिए आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप एक्वा मूवी को देख सकते हो सो so इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हो एंड इस मूवी को आप वार्नर ब्रोज की वेबसाइट पर देख सकते हो साथ ही के साथ एप्पल टीवी पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो ज़रूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना तो आप देख रहे हैं मूवी रिव्यू मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे टू में रिलीज़ हुई एक्वा मैन मूवी के बारे में यह मूवी भले ही टू में रिलीज हुई हो लेकिन आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी 2018 में रिलीज हुई एक्वा मैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एक्वा मूवी आप कहाँ पर देख पाओगे साथ ही में आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको एक्वा मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही मैं आपको बताएँगे कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी फुल डिटेल में एक्एम मूवी के बारे में जानना पसंद करते हो साथ ही में आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो एक्एमैन मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स वॉन ने जेम्स वॉन जो कि एक अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर एंड कॉमिक बुक राइटर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है और उनकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉर फ्रेंचाइजी ओवर टू बिलियन है और इस उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी जो हॉरर मूवीज़ को डायरेक्ट किया है एंड सुपर हीरो मूवी को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो एक्वा मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डेविड लेसली जोहसन ने एम सी गोल्ड्रिक ने एंड विल वायल ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की जियोफ जोहस ने जेम्स वॉन ने एंड बिल बयाल ने प्रोड्यूस किया है एक्वामेंड मूवी को पीटर सैफरान ने रॉब कौ कोवान ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसन मोमोवा देखने को मिलेंगे उसके आगे एम्बर हर्ड देखने को मिलेंगे विलम डेफोए देखने को मिल जाएंगे पैट्रिक विल्सन देखने को मिल जाएंगे डॉल्फ लनग्रीन देखने को मिल जाएंगे याया अब्दुल मैटीन देखने को मिल जाएंगे एंड निकोल किडमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे उसके आगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एक्वा मैन मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डॉन बर्गस ने और एडिट किया है इस मूवी को किरक मोरी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का रूपर्ट ग्रैक्सन विलियम्स ने Production companies as movie K, Warner Bros. Pictures, DC Entertainment, DC Films, Rat Pack Entertainment, The Saffron Company, Cruel and Unusual Films, Mad Ghost Productions. डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर लेते हैं तो एक्वा मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रोस पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट 21 दिसंबर 2018 है रनिंग टाइम में इस मूवी का 143 मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो एक्वा मूवी को वन से लेकर टू मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन बिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे बड़े लीडिंग रोल में जैसन ममोवा ने आर्थर करी मतलब कि एक्वा मैन का कैरेक्टर लीडिंग रोल में निभाया है एम्बर हर्ड ने मैरा का कैरेक्टर निभाया है विलेम डाफोए ने वुल्को का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक विल्सन ने ऑरम का कैरेक्टर निभाया है डॉल्फ लनग्रैन ने किंग नरेस ने, का कैरेक्टर निभाया है जहाया अब्दुल मैटीन वन टू ने डेविड कैने एंड ब्लैक मंटा का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो यह एक सुपर हीरो मूवी है डीसी द्वारा बनाई गई है डीसी एक प्रोडक्शन कंपनी है आपको पता ही होगा अगर आपको मार्वल की मूवीज़ देखना पसंद है डीसी की मूवीज़ देखना पसंद है सुपर हीरो टाइप है तो इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी ज़रूर से आपको पसंद आएगी काफ़ी बढ़िया इस मूवी में स्टोरी आप देख सकोगे एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है एंड इस मूवी में आपको कमाल की टकनीक के जो साइंस जो कंप्यूटर के जो एनिमेशन हैं वीएफएक्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे एंड इसके ए, 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 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो यह भी मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इस मूवी ने ब्रेक कर दिए थे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है डीसी सी कॉमिस करैक्टर्स द्वारा एंड फिफ्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है 2018 की ट्वेंटी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है ऑल टाइम सो जरूर से आपको यह मूवी देखना चाहिए आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप एक्वा मन मूवी को देख सकते हो सो so, इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हो एंड इस मूवी को आप वार्नर ब्रोज की वेबसाइट पर देख सकते हो साथ ही के साथ एप्पल टीवी पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना तो आप देख रहे हैं मूवी रिव्यू मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे टू में रिलीज हुई एक्वा मैन मूवी के बारे में यह मूवी भले ही टू में रिलीज हुई हो लेकिन आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी 2018 में रिलीज़ हुई एक्वा मैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एक्वा मैंड मूवी आप कहाँ पर देख पाओगे साथ ही में आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको एक्वा मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको बताएंगे कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी फुल डिटेल में एक्एम मूवी के बारे में जानना पसंद करते हो साथ ही में आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो एक्एम मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स वॉन ने जेम्स वॉन जो कि एक अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर एंड कॉमिक बुक राइटर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है और उनकी हाइस्ट ग्रॉसिंग हॉर फ्रेंचाइजी ओवर टू बिलियन है और इस उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी जो हॉरर मूवीज़ को डायरेक्ट किया है एंड सुपर हीरो मूवी को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो एक्वा मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डेविड लेस्ली जोहसन ने एम सी गोल्ड्रिक ने एंड विल वायल ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की जियोफ जोहस ने जेम्स वॉन ने एंड बिल बयाल ने प्रोड्यूस किया है एक्वामेंट मूवी को पीटर सैफरान ने रॉब कौ ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसन मोमोवा देखने को मिलेंगे उसके आगे एम्बर हर्ड देखने को मिलेंगे विलम डेफोए देखने को मिल जाएंगे पैट्रिक विल्सन देखने को मिल जाएंगे डॉल्फ लनग्रीन देखने को मिल जाएंगे याया अब्दुल मैटीन देखने को मिल जाएंगे एंड निकोल किडमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे उसके आगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एक्वा मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डॉन बर्गस ने और एडिट किया है इस मूवी को किर्क मोरी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का रूपॉट ग्रैकसन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के वार्नर ब्रोज पिक्चर्स, डीसी एंटरटेनमेंट डीसी फिल्म्स, रैट पैक एंटरटेनमेंट द सैफरन कंपनी क्रूअल एंड अनयूज़ुअल फिल्म्स, मैड गोस्ट प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर लेते हैं तो एक्वा मैन मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रोस पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट 21 दिसंबर 2018 है रनिंग टाइम में इस मूवी का 143 फोर्टी थ्री मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो एक्वा मैन मूवी को वन से लेकर टू मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन बिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे बड़े लीडिंग रोल में जैसन ममोवा ने आर्थर करी मतलब कि एक्वा मैन का कैरेक्टर लीडिंग रोल में निभाया है एम्बर हर्ड ने मैरा का कैरेक्टर निभाया है विलेम डाफोए ने वुल्को का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक विल्सन ने ऑरम का कैरेक्टर निभाया है डॉल्फ लनग्रैन ने किंग ने, नेरेस का करैक्टर निभाया है जहाया अब्दुल मैटीन वन टू ने डेविड कैने एंड ब्लैक मंटा का करैक्टर निभाया है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो यह एक सुपर हीरो मूवी है डीसी द्वारा बनाई गई है डीसी एक प्रोडक्शन कंपनी है आपको पता ही होगा अगर आपको मार्वल की मूवीज़ देखना पसंद है डीसी की मूवीज़ देखना पसंद है सुपर हीरो टाइप है, तो इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी ज़रूर से आपको पसंद आएगी काफ़ी बढ़िया इस मूवी में स्टोरी आप देख सकोगे एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है एंड इस मूवी में आपको कमाल की टकनीक के जो साइंस जो कंप्यूटर के जो एनिमेशन हैं वीएफएक्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे एंड इसके ए, 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 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो यह भी मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इस मूवी ने ब्रेक कर दिए थे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है डीसी कॉमिक्स करेक्टर्स द्वारा एंड फिफ्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है 2018 की ट्वेंटी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है ऑल टाइम सो जरूर से आपको यह मूवी देखना चाहिए आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप एक्वा मूवी को देख सकते हो सो so इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हो एंड इस मूवी को आप वार्नर ब्रोज की वेबसाइट पर देख सकते हो साथ ही के साथ एप्पल टीवी पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना तो आप देख रहे हैं मूवी रिव्यू मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे टू में रिलीज़ हुई एक्वा मैड मूवी के बारे में यह मूवी भले ही टू में रिलीज हुई हो लेकिन आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी 2018 में रिलीज हुई एक्वा मैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एक्वा मूवी आप कहाँ पर देख पाओगे साथ ही में आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको एक्वा मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही मैं आपको बताएँगे कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी फुल डिटेल में एक्एम मूवी के बारे में जानना पसंद करते हो साथ ही में आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो एक्एमएड मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स वॉन ने जेम्स वॉन जो कि एक अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर एंड कॉमिक बुक राइटर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है और उनकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉर फ्रेंचाइजी ओवर टू बिलियन है और इस उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी जो हॉरर मूवीज़ को डायरेक्ट किया है एंड सुपर हीरो मूवी को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो एक्वा मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डेविड लेसली जोहसन ने एम सी गोल्ड्रिक ने एंड विल वायल ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की जियोफ जोहस ने जेम्स वॉन ने एंड बिल बयाल ने प्रोड्यूस किया है एक्वा मूवी को पीटर सैफरान ने रॉब कॉवान कौ, ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसन मोमोवा देखने को मिलेंगे उसके आगे एम्बर हर्ड देखने को मिलेंगे विलम डेफोय देखने को मिल जाएंगे पैट्रिक विल्सन देखने को मिल जाएंगे डॉल्फ लनग्रीन देखने को मिल जाएंगे याया अब्दुल मैटीन देखने को मिल जाएंगे एंड निकोल किडमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे उसके आगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एक्वा मूवी में सीनेमाइटोग्राफी की है डॉन बर्कस ने और एडिट किया है इस मूवी को किर्क मोरी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का रूपर्ट ग्रैक्सन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के वार्नर ब्रोज पिक्चर्स, डीसी एंटरटेनमेंट डीसी फिल्म्स, रैट पैक एंटरटेनमेंट द सैफरन कंपनी क्रूअल एंड अनयूजुअल फिल्म्स, मैड गोस्ट प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर लेते हैं तो एक्वा मैन मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रोस पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट 21 दिसंबर 2018 है रनिंग टाइम में इस मूवी का 143 फोर्टी थ्री मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो एक्वा मैन मूवी को 160 से लेकर 200 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन बिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसन ममोआ ने आर्थर करी मतलब कि एक्वा मैन का कैरेक्टर लीडिंग रोल में निभाया है एम्बर हर्ड मेरा है। ने मैरा का कैरेक्टर निभाया है विलेम डाफोए ने वुल्को का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक विल्सन ने किंगम का कैरेक्टर निभाया है डॉल्फ लनग्रैन ने किंग ने, नेरेस का करैक्टर निभाया है जहाया अब्दुल मैटीन वन टू ने डेविड कैने एंड ब्लैक मंटा का करैक्टर निभाया है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो यह एक सुपर हीरो मूवी है डीसी द्वारा बनाई गई है डीसी एक प्रोडक्शन कंपनी है आपको पता ही होगा अगर आपको मार्वल की मूवीज़ देखना पसंद है डीसी की मूवीज़ देखना पसंद है सुपर हीरो टाइप तो इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी जरूर से आपको पसंद आएगी काफ़ी बढ़िया इस मूवी में स्टोरी आप देख सकोगे एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है एंड इस मूवी में आपको कमाल की टकनीक के जो साइंस जो कंप्यूटर के जो एनिमेशन हैं वीएफएक्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे एंड इसके ए, 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 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो यह भी मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इस मूवी ने ब्रेक कर दिए थे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है डीसी कॉमिक्स करैक्टर्स द्वारा एंड फिफ्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है 2018 की ट्वेंटी 20 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है ऑल टाइम सो जरूर से आपको यह मूवी देखना चाहिए आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप एक्वा मूवी को देख सकते हो सो इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हो एंड इस मूवी को आप वार्नर ब्रोज की वेबसाइट पर देख सकते हो साथ ही के साथ एप्पल टीवी पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना तो आप देख रहे हैं मूवी रिव्यू मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे टू में रिलीज़ हुई एक्वा मूवी के बारे में यह मूवी भले ही टू में रिलीज हुई हो लेकिन आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी 2018 में रिलीज़ हुई एक्वा मैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एक्वा मैंड मूवी आप कहाँ पर देख पाओगे साथ ही में आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको एक्वा मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको बताएंगे कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी फुल डिटेल में एक्एमए मूवी के बारे में जानना पसंद करते हो साथ ही में आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो एक्एमएन मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स वॉन ने जेम्स वॉन जो कि एक अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर एंड कॉमिक बुक राइटर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है और उनकी हाइएस्ट ग्रॉसिंग हॉर फ्रेंचाइजी ओवर टू बिलियन है और इस उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी जो हॉरर मूवीज़ को डायरेक्ट किया है एंड सुपर हीरो मूवी को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो एक्वा मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डेविड लेसली जोहसन ने एम सी गोल्ड्रिक ने एंड विल वायल ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की जियोफ जोहस ने जेम्स वॉन ने एंड बिल बयाल ने प्रोड्यूस किया है एक्वा मूवी को पीटर सैफरान ने रॉब कौ कोवान ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसन मोमोवा देखने को मिलेंगे उसके आगे एम्बर हर्ड देखने को मिलेंगे विलम डेफोय देखने को मिल जाएंगे पैट्रिक विल्सन देखने को मिल जाएंगे डॉल्फ लनग्रीन देखने को मिल जाएंगे याया अब्दुल मैटीन देखने को मिल जाएंगे एंड निकोल किडमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे उसके आगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एक्वा मैन मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डॉन बर्गस ने और एडिट किया है इस मूवी को किर्क मोरी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का रूपर्ट ग्रैक्सन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी के वार्नर ब्रोज पिक्चर्स, डीसी एंटरटेनमेंट डीसी फिल्म्स, रैट पैक एंटरटेनमेंट द सैफरन कंपनी क्रूअल एंड अनयूजुअल फिल्म्स, मैड गोस्ट प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर लेते हैं तो एक्वा मैन मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रोस पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट 21 दिसंबर 2018 है रनिंग टाइम में इस मूवी का 143 फोर्टी थ्री मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो एक्वा मैन मूवी को 160 से लेकर 200 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन बिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे बड़े लीडिंग रोल में जैसन ममोआ ने आर्थर करी मतलब कि एक्वा मैन का कैरेक्टर लीडिंग रोल में निभाया है एम्बर हर्ड ने मैरा का कैरेक्टर निभाया है विलेम डाफोए ने वुल्को का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक विल्सन ने किंगम का कैरेक्टर निभाया है डॉल्फ लनग्रैन ने किंग ने, नेरेस का करैक्टर निभाया है जहाया अब्दुल मैटीन वन टू ने डेविड कैने एंड ब्लैक मंटा का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो यह एक सुपर हीरो मूवी है डीसी द्वारा बनाई गई है डीसी एक प्रोडक्शन कंपनी है आपको पता ही होगा अगर आपको मार्वल की मूवीज़ देखना पसंद है डीसी की मूवीज़ देखना पसंद है सुपर हीरो टाइप है, तो इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी जरूर से आपको पसंद आएगी काफ़ी बढ़िया इस मूवी में स्टोरी आप देख सकोगे एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है एंड इस मूवी में आपको कमाल की टकनीक के जो साइंस जो कंप्यूटर के जो एनिमेशन हैं वीएफएक्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे एंड इसके एँग, एँग, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो यह भी मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इस मूवी ने ब्रेक कर दिए थे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है डीसी कॉमिक्स करेक्टर्स द्वारा एंड फिफ्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है 2018 की ट्वेंटी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है ऑल टाइम सो ज़रूर से आपको यह मूवी देखना चाहिए आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप एक्वाम मूवी को देख सकते हो सो so इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हो एंड इस मूवी को आप वार्नर ब्रोज की वेबसाइट पर देख सकते हो साथ ही के साथ एप्पल टीवी पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना तो आप देख रहे हैं मूवी रिव्यू मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे टू में रिलीज़ हुई एक्वा मैन मूवी के बारे में यह मूवी भले ही 2018 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी 2018 में रिलीज़ हुई एक्वा मैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एक्वा मूवी आप कहां पर देख पाओगे साथ ही में आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको एक्वा मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही मैं आपको बताएंगे कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी फुल डिटेल में एक्एमए मूवी के बारे में जानना पसंद करते हो साथ ही में आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो एक्एमएन मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स वॉन ने जेम्स वॉन जो कि एक अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर एंड कॉमिक बुक राइटर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है और उनकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉरर फ्रेंचाइजी ओवर टू बिलियन है और इस उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी जो हॉरर मूवीज़ को डायरेक्ट किया है एंड सुपर हीरो मूवी को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो एक्वा मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डेविड लेसली जोहसन ने एम सी गोल्ड्रिक ने एंड विल वायल ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की जियोफ जोहस ने जेम्स वॉन ने एंड बिल बयाल ने प्रोड्यूस किया है एक्वामेंट मूवी को पीटर सेफरान ने रॉब कौ कोवान ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसन मोमोआ देखने को मिलेंगे उसके आगे एम्बर हर्ड देखने को मिलेंगे विलम डेफोय देखने को मिल जाएंगे पैट्रिक विल्सन देखने को मिल जाएंगे डॉल्फ लनग्रीन देखने को मिल जाएंगे याया अब्दुल मैटीन देखने को मिल जाएंगे एंड निकोल किडमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे उसके आगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एक्वा मैन मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डॉन बर्गस ने और एडिट किया है इस मूवी को किरक मोरी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का रूपर्ट ग्रैक्सन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के वार्नर ब्रोज पिक्चर्स, डीसी एंटरटेनमेंट डीसी फिल्म्स, रैट पैक एंटरटेनमेंट, द सैफरन कंपनी क्रूअल एंड अनयूज़ुअल फिल्म्स, मैड गोस्ट प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर लेते हैं तो एक्वा मैड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रोस पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट 21 दिसंबर 2018 है रनिंग टाइम में इस मूवी का 143 मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो एक्वा मैन मूवी को 160 से लेकर 200 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन बिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे बड़े लीडिंग रोल में जैसन ममोवा ने आर्थर करी मतलब कि एक्वा मैन का कैरेक्टर लीडिंग रोल में निभाया है एम्बर हर्ड ने मैरा का कैरेक्टर निभाया है विलेम डाफोए ने वुल्को का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक विल्सन ने किंगम का कैरेक्टर निभाया है डॉल्फ लनग्रैन ने किंग नरेस ने, का करैक्टर निभाया है जहा अब्दुल मैटीन वन टू ने डेविड कैने एंड ब्लैक मंटा का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो यह एक सुपर हीरो मूवी है डीसी द्वारा बनाई गई है डीसी एक प्रोडक्शन कंपनी है आपको पता ही होगा अगर आपको मार्वल की मूवीज़ देखना पसंद है डीसी की मूवीज़ देखना पसंद है सुपर हीरो टाइप तो इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी ज़रूर से आपको पसंद आएगी काफ़ी बढ़िया इस मूवी में स्टोरी आप देख सकोगे एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है एंड इस मूवी में आपको कमाल की तकनीक के जो साइंस जो कंप्यूटर के जो एनिमेशन हैं वीएफएक्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे एंड इसके एँग, एँग, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो यह भी मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इस मूवी ने ब्रेक कर दिए थे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है डीसी कॉमिक्स कॉमिक द्वारा एंड फिफ्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है 2018 की ट्वेंटी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है ऑल टाइम सो ज़रूर से आपको यह मूवी देखना चाहिए आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप एक्वा मूवी को देख सकते हो सो so इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हो एंड इस मूवी को आप वार्नर ब्रोज की वेबसाइट पर देख सकते हो साथ ही के साथ एप्पल टीवी पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना तो आप देख रहे हैं मूवी रिव्यू मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे टू में रिलीज़ हुई एक्वा मैन मूवी के बारे में यह मूवी भले ही टू में रिलीज हुई हो लेकिन आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी 2018 में रिलीज़ हुई एक्वा मैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एक्वा मैंड मूवी आप कहाँ पर देख पाओगे साथ ही में आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको एक्वा मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको बताएंगे कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी फुल डिटेल में एक्एम मूवी के बारे में जानना पसंद करते हो साथ ही में आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो एक्एमैन मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स वॉन ने जेम्स वॉन जो कि एक अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर एंड कॉमिक बुक राइटर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है और उनकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉर फ्रेंचाइजी ओवर टू बिलियन है और इस उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी जो हॉरर मूवीज़ को डायरेक्ट किया है एंड सुपर हीरो मूवी को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो एक्वा मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डेविड लेसली ने एम सी गोल्ड्रिक ने एंड विल वायल ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की जियोफ जोहस ने जेम्स वॉन ने एंड बिल बयाल ने प्रोड्यूस किया है एक्वामेंड मूवी को पीटर सैफरान ने रॉब कौ कोवान ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसन मोमोवा देखने को मिलेंगे उसके आगे एम्बर हर्ड देखने को मिलेंगे विलम डेफोए देखने को मिल जाएंगे पैट्रिक विल्सन देखने को मिल जाएंगे डॉल्फ लनग्रीन देखने को मिल जाएंगे याया अब्दुल मैटीन देखने को मिल जाएंगे एंड निकोल किडमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे उसके आगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एक्वा मैन मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डॉन बर्गस ने और एडिट किया है इस मूवी को किर्क मोरी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का रूपर्ट ग्रैक्सन विलियम्स ने Production companies as movie K, Warner Bros. Pictures, DC Entertainment, DC Films, Rat Pack Entertainment, The Saffron Company, Cruel and Unusual Films, Mad Ghost Productions. डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर लेते हैं तो एक्वा मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रोस पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट 21 दिसंबर 2018 है रनिंग टाइम में इस मूवी का 143 मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो एक्वा मूवी को वन से लेकर टू मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन बिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे बड़े लीडिंग रोल में जैसन ममोवा ने आर्थर करी मतलब कि एक्वा मैन का कैरेक्टर लीडिंग रोल में निभाया है एम्बर हर्ड ने मैरा का कैरेक्टर निभाया है विलेम डाफोए ने वुल्को का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक विल्सन ने ऑरम का कैरेक्टर निभाया है डॉल्फ लनग्रैन ने किंग नरेस ने, का कैरेक्टर निभाया है जहाया अब्दुल मैटीन वन टू ने डेविड कैने एंड ब्लैक मंटा का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो यह एक सुपर हीरो मूवी है डीसी द्वारा बनाई गई है डीसी एक प्रोडक्शन कंपनी है आपको पता ही होगा अगर आपको मार्वल की मूवीज़ देखना पसंद है डीसी की मूवीज़ देखना पसंद है सुपर हीरो टाइप है, तो इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी ज़रूर से आपको पसंद आएगी काफ़ी बढ़िया इस मूवी में स्टोरी आप देख सकोगे एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है एंड इस मूवी में आपको कमाल की तकनीक के जो साइंस जो कंप्यूटर के जो एनिमेशन हैं वीएफएक्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे एंड इसके ए, 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 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो यह भी यह मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इस मूवी ने ब्रेक कर दिए थे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है डीसी सी कॉमिक करैक्टर्स द्वारा एंड फिफ्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है 2018 की ट्वेंटी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है ऑल टाइम सो जरूर से आपको यह मूवी देखना चाहिए आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप एक्वा मन मूवी को देख सकते हो सो so इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हो एंड इस मूवी को आप वार्नर ब्रोज की वेबसाइट पर देख सकते हो साथ ही के साथ एप्पल टीवी पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना तो आप देख रहे हैं मूवी रिव्यू मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे 2018 में रिलीज़ हुई एक्वा मैड मूवी के बारे में यह मूवी भले ही 2018 में रिलीज हुई हो लेकिन आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी 2018 में रिलीज हुई एक्वा मैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एक्वा मूवी आप कहां पर देख पाओगे साथ ही में आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको एक्वा मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको बताएँगे कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी फुल डिटेल में एक्एम मूवी के बारे में जानना पसंद करते हो साथ ही में आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो एक्एमएड मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स वॉन ने जेम्स वॉन जो कि एक अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर एंड कॉमिक बुक राइटर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है और उनकी हाइस्ट ग्रॉसिंग हॉर फ्रेंचाइजी ओवर टू बिलियन है और इस उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी जो हॉरर मूवीज़ को डायरेक्ट किया है एंड सुपर हीरो मूवी को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो एक्वा मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डेविड लेस्ली जोहसन ने एम सी गोल्ड्रिक ने एंड विल वायल ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की जियोफ जोहस ने जेम्स वॉन ने एंड बिल बयाल ने प्रोड्यूस किया है एक्वामेंट मूवी को पीटर सैफरान ने रॉब कौ ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसन मोमोवा देखने को मिलेंगे उसके आगे एम्बर हर्ड देखने को मिलेंगे विलम डेफॉए देखने को मिल जाएंगे पैट्रिक विल्सन देखने को मिल जाएंगे डॉल्फ लनग्रीन देखने को मिल जाएंगे याया अब्दुल मैटीन देखने को मिल जाएंगे एंड निकोल किडमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे उसके आगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एक्वा मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डॉन बर्गस ने और एडिट किया है इस मूवी को किर्क मोरी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का रूपर्ट ग्रैक्सन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के वार्नर ब्रोज पिक्चर्स, डीसी एंटरटेनमेंट डीसी फिल्म्स, रैट पैक एंटरटेनमेंट द सैफरन कंपनी क्रूअल एंड अनयूज़ुअल फिल्म्स, मैड गोस्ट प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर लेते हैं तो एक्वा मैन मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रोस पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट 21 दिसंबर 2018 है रनिंग टाइम में इस मूवी का 143 फोर्टी थ्री मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो एक्वा मैन मूवी को 160 से लेकर 200 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन बिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे बड़े लीडिंग रोल में जैसन ममोवा ने आर्थर करी मतलब कि एक्वा मैन का कैरेक्टर लीडिंग रोल में निभाया है एम्बर हर्ड ने मैरा का कैरेक्टर निभाया है विलेम डाफोए ने वुल्को का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक विल्सन ने ऑरम का कैरेक्टर निभाया है डॉल्फ लनग्रैन ने किंग ने, नेरेस का करैक्टर निभाया है जहाया अब्दुल मैटीन वन टू ने डेविड कैने एंड ब्लैक मंटा का करैक्टर निभाया है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो यह एक सुपर हीरो मूवी है डीसी द्वारा बनाई गई है डीसी एक प्रोडक्शन कंपनी है आपको पता ही होगा अगर आपको मार्वल की मूवीज़ देखना पसंद है डीसी की मूवीज़ देखना पसंद है सुपर हीरो टाइप है, तो इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी ज़रूर से आपको पसंद आएगी काफ़ी बढ़िया इस मूवी में स्टोरी आप देख सकोगे एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है एंड इस मूवी में आपको कमाल की टकनीक के जो साइंस जो कंप्यूटर के जो एनिमेशन हैं वीएफएक्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे एंड इसके ए, 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 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो यह भी मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इस मूवी ने ब्रेक कर दिए थे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है डीसी कॉमिक्स करेक्टर्स द्वारा एंड फिफ्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है 2018 की ट्वेंटी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है ऑल टाइम सो जरूर से आपको यह मूवी देखना चाहिए आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप एक्वा मूवी को देख सकते हो सो so, इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हो एंड इस मूवी को आप वार्नर ब्रोज की वेबसाइट पर देख सकते हो साथ ही के साथ एप्पल टीवी पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना तो आप देख रहे हैं मूवी रिव्यू मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे टू में रिलीज़ हुई एक्वा मैड मूवी के बारे में यह मूवी भले ही टू में रिलीज हुई हो लेकिन आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी 2018 में रिलीज़ हुई एक्वा मैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एक्वा मैंड मूवी आप कहाँ पर देख पाओगे साथ ही में आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको एक्वा मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको बताएंगे कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी फुल डिटेल में एक्एम मूवी के बारे में जानना पसंद करते हो साथ ही में आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो एक्एमएड मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स वॉन ने जेम्स वॉन जो कि एक अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर एंड कॉमिक बुक राइटर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है और उनकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉर फ्रेंचाइजी ओवर टू बिलियन है और इस उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी जो हॉरर मूवीज़ को डायरेक्ट किया है एंड सुपर हीरो मूवी को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो एक्वा मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डेविड लेस्ली ने एम सी गोल्ड्रिक ने एंड विल वायल ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की जियोफ जोहस ने जेम्स वॉन ने एंड बिल बयाल ने प्रोड्यूस किया है एक्वा मूवी को पीटर सैफरान ने रॉब कॉवान कौ, ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसन मोमोवा देखने को मिलेंगे उसके आगे एम्बर हर्ड देखने को मिलेंगे विलम डेफोय देखने को मिल जाएंगे पैट्रिक विल्सन देखने को मिल जाएंगे डॉल्फ लनग्रीन देखने को मिल जाएंगे याया अब्दुल मैटीन देखने को मिल जाएंगे एंड निकोल किडमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे उसके आगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एक्वा मूवी में सीनेमाइटोग्राफी की है डॉन बर्कस ने और एडिट किया है इस मूवी को किरक मोरी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का रूपर्ट ग्रैक्सन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के वार्नर ब्रोज पिक्चर्स, डीसी एंटरटेनमेंट डीसी फिल्म्स, रैट पैक एंटरटेनमेंट द सैफरन कंपनी क्रूअल एंड अनयूजुअल फिल्म्स, मैड गोस्ट प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर लेते हैं तो एक्वा मैन मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रोस पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट 21 दिसंबर 2018 है रनिंग टाइम में इस मूवी का 143 फोर्टी थ्री मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो एक्वा मैन मूवी को 160 से लेकर 200 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन बिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसन ममोआ ने आर्थर करी मतलब कि एक्वा मैन का कैरेक्टर लीडिंग रोल में निभाया है एम्बर हर्ड मेरा है। ने मैरा का कैरेक्टर निभाया है विलेम डाफोए ने वुल्को का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक विल्सन ने ऑरम का कैरेक्टर निभाया है डॉल्फ लनग्रैन ने किंग ने, नेरेस का करैक्टर निभाया है जहाया अब्दुल मैटीन वन टू ने डेविड कैने एंड ब्लैक मंटा का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो यह एक सुपर हीरो मूवी है डीसी द्वारा बनाई गई है डीसी एक प्रोडक्शन कंपनी है आपको पता ही होगा अगर आपको मार्वल की मूवीज़ देखना पसंद है डीसी की मूवीज़ देखना पसंद है सुपर हीरो टाइप तो इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी जरूर से आपको पसंद आएगी काफ़ी बढ़िया इस मूवी में स्टोरी आप देख सकोगे एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है एंड इस मूवी में आपको कमाल की टकनीक के जो साइंस जो कंप्यूटर के जो एनिमेशन हैं वीएफएक्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे एंड इसके ए, 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 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो यह भी मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इस मूवी ने ब्रेक कर दिए थे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है डीसी कॉमिक्स करैक्टर्स द्वारा एंड फिफ्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है 2018 की ट्वेंटी 20 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है ऑल टाइम सो जरूर से आपको यह मूवी देखना चाहिए आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप एक्वा मूवी को देख सकते हो सो इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हो एंड इस मूवी को आप वार्नर ब्रोज की वेबसाइट पर देख सकते हो साथ ही के साथ एप्पल टीवी पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना तो आप देख रहे हैं मूवी रिव्यू मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे टू में रिलीज़ हुई एक्वा मूवी के बारे में यह मूवी भले ही टू में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी 2018 में रिलीज हुई एक्वा मैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एक्वा मूवी आप कहां पर देख पाओगे साथ ही में आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको एक्वा मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही मैं आपको बताएँगे कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी फुल डिटेल में एक्एमए मूवी के बारे में जानना पसंद करते हो साथ ही में आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो एक्एमएन मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स वॉन ने जेम्स वॉन जो कि एक अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर एंड कॉमिक बुक राइटर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है और उनकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉरर फ्रेंचाइजी ओवर टू बिलियन है और इस उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी जो हॉरर मूवीज़ को डायरेक्ट किया है एंड सुपर हीरो मूवी को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो एक्वा मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डेविड लेसली जोहसन ने एम सी गोल्ड्रिक ने एंड विल वायल ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की जियोफ जोहस ने जेम्स वॉन ने एंड बिल बयाल ने प्रोड्यूस किया है एक्वामेंट मूवी को पीटर सैफरान ने रॉब कौ कोवान ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसन मोमोआ देखने को मिलेंगे उसके आगे एम्बर हर्ड देखने को मिलेंगे विलम डेफोय देखने को मिल जाएंगे पैट्रिक विल्सन देखने को मिल जाएंगे डॉल्फ लनग्रीन देखने को मिल जाएंगे याया अब्दुल मैटीन देखने को मिल जाएंगे एंड निकोल किडमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे उसके आगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एक्वा मैन मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डॉन बर्गस ने और एडिट किया है इस मूवी को किर्क मोरी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का रूपर्ट ग्रैक्सन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी के वार्नर ब्रोज पिक्चर्स, डीसी एंटरटेनमेंट डीसी फिल्म्स, रैट पैक एंटरटेनमेंट द सैफरन कंपनी क्रूअल एंड अनयूजुअल फिल्म्स, मैड गोस्ट प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर लेते हैं तो एक्वा मैन मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रोस पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट 21 दिसंबर 2018 है रनिंग टाइम में इस मूवी का 143 फोर्टी थ्री मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो एक्वा मैन मूवी को 160 से लेकर 200 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वन बिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे बड़े लीडिंग रोल में जैसन ममोआ ने आर्थर करी मतलब कि एक्वा मैन का कैरेक्टर लीडिंग रोल में निभाया है एम्बर हर्ड ने मैरा का कैरेक्टर निभाया है विलेम डाफोए ने वुल्को का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक विल्सन ने किंगम का कैरेक्टर निभाया है डॉल्फ लनग्रैन ने किंग ने, नेरेस का करैक्टर निभाया है जहाया अब्दुल मैटीन वन टू ने डेविड कैने एंड ब्लैक मंटा का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो यह एक सुपर हीरो मूवी है डीसी द्वारा बनाई गई है डीसी एक प्रोडक्शन कंपनी है आपको पता ही होगा अगर आपको मार्वल की मूवीज़ देखना पसंद है डीसी की मूवीज़ देखना पसंद है सुपर हीरो टाइप है, तो इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी जरूर से आपको पसंद आएगी काफ़ी बढ़िया इस मूवी में स्टोरी आप देख सकोगे एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है एंड इस मूवी में आपको कमाल की टकनीक के जो साइंस जो कंप्यूटर के जो एनिमेशन हैं वीएफएक्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे एंड इसके ए, 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 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो यह भी मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इस मूवी ने ब्रेक कर दिए थे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है डीसी कॉमिक्स करेक्टर्स द्वारा एंड फिफ्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है 2018 की ट्वेंटी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है ऑल टाइम सो ज़रूर से आपको यह मूवी देखना चाहिए आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप एक्वाम मूवी को देख सकते हो सो so इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हो एंड इस मूवी को आप वार्नर ब्रोज की वेबसाइट पर देख सकते हो साथ ही के साथ एप्पल टीवी पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो जरूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना तो आप देख रहे हैं मूवी रिव्यू मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे टू में रिलीज़ हुई एक्वा मैड मूवी के बारे में यह मूवी भले ही 2018 में रिलीज हुई हो लेकिन आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं जो इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी 2018 में रिलीज़ हुई एक्वा मैंड मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एक्वा मैंड मूवी आप कहाँ पर देख पाओगे साथ ही में आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको एक्वा मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही मैं आपको बताएंगे कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी फुल डिटेल में एक्एमए मूवी के बारे में जानना पसंद करते हो साथ ही में आपको पता चल पाएगा कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो एक्एमएन मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स वॉन ने जेम्स वॉन जो कि एक अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर एंड कॉमिक बुक राइटर हैं जिन्होंने कि काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है और उनकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉरर फ्रेंचाइजी ओवर टू बिलियन है और इस उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी जो हॉरर मूवीज़ को डायरेक्ट किया है एंड सुपर हीरो मूवी को डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो एक्वा मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है डेविड लेसली ने एम सी गोल्ड्रिक ने एंड विल वायल ने स्टोरी लिखी है इस मूवी की जियोफ जोहस ने जेम्स वॉन ने एंड बिल बयाल ने प्रोड्यूस किया है एक्वामेंट मूवी को पीटर सेफरान ने रॉब कौ कोवान ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसन मोमोआ देखने को मिलेंगे उसके आगे एम्बर हर्ड देखने को मिलेंगे विलम डेफोय देखने को मिल जाएंगे पैट्रिक विल्सन देखने को मिल जाएंगे डॉल्फ लनग्रीन देखने को मिल जाएंगे याया अब्दुल मैटीन देखने को मिल जाएंगे एंड निकोल किडमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे उसके आगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एक्वा मैन मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डॉन बर्गस ने और एडिट किया है इस मूवी को किर्क मोरी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का रूपर्ट ग्रैक्सन विलियम्स ने प्रोडक्शन हैं इस मूवी के वार्नर ब्रोज पिक्चर्स, डीसी एंटरटेनमेंट डीसी फिल्म्स, रैट पैक एंटरटेनमेंट, द सैफरन कंपनी क्रूअल एंड अनयूज़ुअल फिल्म्स, मैड गोस्ट प्रोडक्शंस डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर लेते हैं तो एक्वा मैड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रोस पिक्चर्स ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट 21 दिसंबर 2018 है रनिंग टाइम में इस मूवी का 143 मिनट्स बजट की बात की जाए बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो एक्वा मैन मूवी को 160 से लेकर 200 मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था और इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन बिलियन डॉलर का हुआ था उसके आगे कास्ट की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे बड़े लीडिंग रोल में जैसन ममोवा ने आर्थर करी मतलब कि एक्वा मैन का कैरेक्टर लीडिंग रोल में निभाया है एम्बर हर्ड ने मैरा का कैरेक्टर निभाया है विलेम डाफोए ने वुल्को का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक विल्सन ने किंगम का कैरेक्टर निभाया है डॉल्फ लनग्रैन ने किंग नरेस ने, का करैक्टर निभाया है जहा अब्दुल मैटीन वन टू ने डेविड कैने एंड ब्लैक मंटा का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के जॉनर की तो यह एक सुपर हीरो मूवी है डीसी द्वारा बनाई गई है डीसी एक प्रोडक्शन कंपनी है आपको पता ही होगा अगर आपको मार्वल की मूवीज़ देखना पसंद है डीसी की मूवीज़ देखना पसंद है सुपर हीरो टाइप तो इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी ज़रूर से आपको पसंद आएगी काफ़ी बढ़िया इस मूवी में स्टोरी आप देख सकोगे एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है एंड इस मूवी में आपको कमाल की तकनीक के जो साइंस जो कंप्यूटर के जो एनिमेशन हैं वीएफएक्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे एंड इसके एँग, एँग, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो यह भी मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इस मूवी ने ब्रेक कर दिए थे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है डीसी कॉमिक्स कॉमिस द्वारा एंड फिफ्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है 2018 की ट्वेंटी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है ऑल टाइम सो ज़रूर से आपको यह मूवी देखना चाहिए आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप एक्वा मूवी को देख सकते हो सो so इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हो एंड इस मूवी को आप वार्नर ब्रोज़ की वेबसाइट पर देख सकते हो साथ ही के साथ एप्पल टीवी पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो ज़रूर से देख लेना आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना